जय हिंद। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास टेंथ हिंदी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये बोर्ड एग्जाम में 100% है, कोई ना कोई आएंगे इनमें से, तो इनको तुम्हें तैयार जरूर कर लेना है, ठीक है। तो चलो देखते हैं यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए, किसी एक जीवनी लेखक का नाम लिखिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ भी लेता है। तो देखिए, मैंने दो लिख दिया है। पहले जीवनी लेखक है हमारे विष्णु प्रभाकर, जिनकी जीवनी है आवारा मसीहा। इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना। कभी कभी पूछ लेता है कि आवारा मसीहा किस विधा की रचना है, तो वहां पर लिखना पड़ेगा जीवनी विधा की रचना। मतलब एक क्वेश्चन से 3 से 4 आंसर बन जाते हैं, ठीक है। तो ये हो जाता है। आगे देखो, अमृत राय मतलब हैं दूसरे हमारे, और उनकी जीवनी है कलम का सिपाही। ये भी इंपॉर्टेंट, तुम जानते हो। अब आप अपने क्वेश्चन बैंक में देख लेना, कितने सालों से क्वेश्चन लगातार आते रहे हैं, ठीक है। तो चलो आगे देखते हैं। आगे हमारा है, रेखा चित्र साहित्य के किन्हीं दो लेखकों के नाम लिखिए। तो रेखा चित्र साहित्य के दो लेखक के हमें नाम लिखना है। तो रेखा चित्र साहित्य के पहले हमारे जो हैं लेखक, वो महादेवी वर्मा, जिनके मतलब रचना है अतीत के चलचित्र। अब आप बोलोगे भैया यहाँ पर तो महादेवी वर्मा ये तो स्त्री थी, अब यहाँ पर लेखक हमें लिखना है। लेकिन याद रखना कि ये अकेली थी, इसलिए इनको क्या करते हैं कि इग्नोर करते हैं, और ये लगभग मतलब लेखक में ही आ जाते हैं। लेखक पूछता है तो भी मतलब इनका नाम पाया जाता है, ठीक है। तो मतलब आपको घबराना नहीं, नंबर पूरे मिलेंगे। आगे देखो, राम वृक्ष वेणीपुरी दूसरे हमारे हैं साहित्य रेखा चित्र साहित्य के लेखक, ठीक है। राम वृक्ष वेणीपुरी, माटी की मूर्तें। तो याद रखना, अगर पूछे रेखा चित्र अगर याद आता है तो राम वृक्ष वेणीपुरी लिखना, और अगर लेखक पूछता है, वरना ना याद आए तो फिर आप महादेवी वर्मा ही लिख देना। ना लिखने से तो बेहतर है ना कुछ लिख दिया जाए, ठीक है। आगे देखो, तीसरा हमारा, संस्मरण विधा के किसी एक लेखक का नाम लिखे। तो आपको संस्मरण विधा के किसी एक लेखक का नाम लिखना है। तो विनय मोहन शर्मा, ठीक है, और दूसरा श्री राम शर्मा, और महादेवी वर्मा, ठीक है, जिनकी रचना है श्रृंखला की खड़ियाँ। ये हमारा महादेवी वर्मा की रचना, और ये इतने सारे हैं, इनमें से किसी एक को आपको याद कर लेना है। आगे देखिए, इनकी रचनाएं भी याद कर सकते हो, वैसे पूछता नहीं है, ठीक है। आगे देखो, रिपोर्टाज साहित्य विधा के किन्हीं दो लेखकों के नाम लिखे। तो आपको दो लेखकों के नाम बताना है। पहला हमारा है धर्मवीर भारती, दूसरा भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक है। तो आप देख लेना, ये हो जाता है। तो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा, किसी एक एकांकीकार का नाम लिखिए। तो किसी एक एकांकीकार का आपको नाम बताना है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा राम कुमार वर्मा, जिनकी एकांकी बहुत प्रसिद्ध है, दीपदान। इसे हम क्लास 9 से ही पढ़ते आ रहे हैं, आप जानते होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाता है। आगे देखते हैं। आगे हमारा है, किसी एक गद्य गीत लेखक का नाम लिखिए। तो आपको एक गद्य गीत लेखक का नाम लिखना है। तो यहाँ पर हमारे हो जाते हैं, पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल, दूसरे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। गद्य गीत लेखक हैं, ठीक है। ये मतलब गद्य रचना लिखते थे तो गद्य गीत बोल देते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं। आगे हमारा है, किसी एक कहानी लेखक का नाम लिखिए। आपको एक कहानी लेखक का नाम लिखना है। तो हमारे प्रेमचंद प्रसिद्ध कहानी लेखक हैं, जिनकी कहानी है नमक का दरोगा, है ना। और अगला हमारा है उपन्यासकार। तो उपन्यासकार हैं ये, प्रेमचंद उपन्यासकार भी हैं, मतलब गोदान गबन इनकी मतलब उपन्यास है। अब देखो, गोदान गबन, सेवा सदन, निर्मला, कर्मभूमि, रंगभूमि, ये सभी प्रेमचंद जी के उपन्यास हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। तो इनको तुम्हें तैयार जरूर कर लेना है वैसे, ठीक है। तो ये इतने सारे हो जाते हैं, इनके स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो, वेरी इंपॉर्टेंट। मैं चुन चुन के आपके क्वेश्चन बैंक से लिया हूँ। देखिए यार, कोई भी सर्वज्ञानी नहीं होता, है ना। ये मैं क्वेश्चन बैंक से ही तो लिख रहा हूँ सभी चीज़ें, लेकिन हाँ, आपका टाइम जरूर बचा रहे हैं हम, क्योंकि आप क्या कर रहे हो कि इन्हें तैयार करोगे, केवल इंपॉर्टेंट तैयार करोगे, तो आपका टाइम जरूर बचेगा, ठीक है। तो इतना हो जाता है। तो अब ये रचनाएं तुमको मतलब याद कर लेना है। और मैं एक बात बताना चाहूँगा कि आपको इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट ही याद कर लेना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट और इंपॉर्टेंट इन्हीं में से आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगी। और सभी चीज़ें आप मत याद कर लिए यार, मतलब बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे लोग गलती करते हैं कि मतलब बहुत सारी रचनाएँ याद कर लेते हैं। ये काम भी हमारे ज़िंदगी में नहीं आने वाले हैं, बस हमें अंक लाने के लिए सब याद करना पड़ता है, ठीक है। और सब चीज़ें तो ज़िंदगी में काम आएंगी, जैसे हम संदर्भ व्याख्या करते हैं, वो सारी चीज़ें क्या है कि हमारे मतलब लाइफ में काम आएंगे, हम कहीं भी कुछ करेंगे। लेकिन ये सब चीज़ें यार कौन पूछेगा और क्या करेंगे। तो आपको एग्जाम बस के लिए तो याद करना है, तो आप मतलब इतनी सारी मत याद कीजिए, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट याद कीजिए, मेरी राय है, ठीक है। तो आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। आपको जिस टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप मुझे बता सकते हो, मैं उसी टॉपिक पर आपके लिए वीडियो लेकर हाजिर रहूंगा, ठीक है। अब आपको रेगुलरली वीडियो मिलेगी, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।